नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में हिसार के उकलाना विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुसुम सेलवाल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और वंदन किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का काम किया। इस दौरान देश और हरियाणा में अन्याय हटाएंगे, न्याय लाएंगे, देश को फिर खुशहाल बनाएंगे, होगा उकलाना खुशहाल। अब की बार कुसुम सेलवाल समेत अन्य प्रेरणादायक नारों के साथ न्याय की आवाज बुलंद की गई। महिला नेत्री कुसुम सेलवाल ने लोगों को जागृत किया। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल 1995 को दूरदर्शी नेता मोरारजी देसाई का निधन हो गया, लेकिन उनके आदर्श एवं प्रेरणा से हम सब आगे बढ़ सकते हैं और मिलकर देश और प्रदेश को खुशहाल एवं समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हरियाणा में वर्ष 2024 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय चौधरी ने नारनौंद में डोर टू डोर अभियान के तहत आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की लोगों से अपील की। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें याद किया। उकलाना से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।